Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. So from today we are going to start Mathematics 2. In this we are going to start differentiation and this is its first lecture. First of all I want to tell you about Alliance Education. अलायंस एजुकेशन लेकर आया है आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्लस क्लासरूम प्रोग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड. सो आज ही रजिस्टर कीजिए एंड रजिस्टर करने के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं. अगर आप आज ही रजिस्टर करते हैं तो आपको बेनिफिट कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो लेक्चर का हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. एट द सेम टाइम वी विल प्रोवाइड यू विथ नोट्स एंड वर्कशीट सो दैट आपको मार्केट से कोई मटेरियल परचेस ना करना पड़े. देन देयर विल बी वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज एंड वी विल बी अवेलेबल ऑन वीडियो कॉल फॉर योर ऑनलाइन गाइडेंस एंड डाउट सेशंस एंड वी कीप आर वीडियोज एंड नोट्स शॉर्ट एंड टू द पॉइंट सो दैट आपको डिफिकल्टी ना जाए इन्हें समझने के लिए. एंड हम कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ज्यादा फोकस रखते हैं सो दैट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली एग्जाम में सक्सेस अचीव कर पाओगे. इसके अलावा और कोई जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट पे हमें कॉल कर सकते हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर डिफ्रेंशिएशन. 11th स्टैंडर्ड में डिफ्रेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूला आपने स्टडी किया था. सबसे पहले हम उसे रिकॉल कर लेते हैं. जैसे आपको पता है कि डेरिवेटिव विच इज डी डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट टर्म इज ऑलवेज जीरो. कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो है लेकिन कॉन्स्टेंट किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए तो वो जीरो हो जाएगा. कॉन्स्टेंट के साथ कोई अगर एक्स का फंक्शन नहीं है तो वो हो जाएगा जीरो. देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज ऑलवेज वन. डी डी एक्स ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू वन. देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन इज एन एक्स पावर एन माइनस वन. अगर यहां पे हमें एक्स दिया हुआ है एक्स पावर एन उसका डेरिवेटिव लेना है तो हमेशा क्या होगा एन एक्स पावर एन माइनस वन. बट अगर इसमें ट्विस्ट ऐसा आ जाता है हमें दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ सम फंक्शन एंड उसका पावर दिया हुआ है एन तब इसका डेरिवेटिव क्या होगा. इसका डेरिवेटिव होगा एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन. ये होने के बाद फिर से हमें फंक्शन के अंदर जाना है. सो यहां पे हम लेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड तब तक हम डेरिवेटिव लेंगे जब तक सिंगल एक्स ना बच जाए ताकि एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा वन. देन आफ्टर दैट वी नो वन मोर फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ e पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज e पावर x ओनली. सो डी डी एक्स ऑफ e पावर f ऑफ x क्या होगा. अगर e के पावर में हमें f ऑफ x कोई फंक्शन दिया हुआ है सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा e पावर f ऑफ x ही रहेगा. देन फिर उसके अंदर हम जाएंगे फंक्शन के अंदर तो हमें मिलेगा डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x. सो आगे बढ़ते हैं. देन डेरिवेटिव ऑफ 1 by x, derivative of 1 by x. Remember, derivative of 1 by x is minus 1 upon x square. Minus 1 upon x square. ये बना कैसे है? इसके लिए हम एक generalized formula भी देख सकते हैं. d dx of 1 upon x power n. 1 upon x power n का derivative होता है minus n upon x power n plus 1. So, यहाँ पे power में 1 था, तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा? 2. So, derivative of 1 upon x power n is minus n upon x power n plus 1. So, इसके जगह अगर कोई फंक्शन हमारे पास गिवन है सपोज हमें दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन एफ ऑफ एक्स पावर एन. एफ ऑफ एक्स पावर एन तो ये हो जाएगा माइनस एन अपॉन एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन. ये हो गया एफ ऑफ एक्स पावर एन का डेरिवेटिव. देन इंटू डी डी एक्स ऑफ व्हाट एफ ऑफ एक्स. सो हमें फंक्शन के अंदर जाना है. देन उसके बाद हम यहां पे देखेंगे डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स. डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स. सो यहां पे डी डी एक्स ऑफ
रूट एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स होगा 1/2 √f(x) इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब पहले हमने रूट का डेरिवेटिव लिया, फिर रूट के अंदर हम गए, रूट के अंदर कौन था, एफ ऑफ एक्स, तो हमने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया। एंड हम तब तक डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लेते रहेंगे जब तक सिंगल एक्स ना बच जाए। देन डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, या फिर यहां पे हम देख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x। सो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 1/f(x) इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। फंक्शन के अंदर जाएंगे हम, सबसे पहले हमने लॉग का डेरिवेटिव लिया, देन उसके अंदर क्या था, एफ ऑफ एक्स, तो हमने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया। अब उसके बाद डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। सो इससे हम क्या कह सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, किसी फंक्शन का हमें साइन गिवन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ दैट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन। देन उसके बाद डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। सो इससे हम कह सकते हैं, सो डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें मिलेगा माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। देन आफ्टर दैट डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स, डेरिविटिव ऑफ टैन एक्स इज 6 square x। सो डेरिविटिव ऑफ टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डेरिविटिव ऑफ टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपको ये बेसिक फॉर्मूला लर्न करना होगा, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में नहीं किया हुआ है तभी आप डेरिवेटिव के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 6 square f(x) होगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद और हमारे पास फॉर्मूला है, हम सारे फॉर्मूला देख लेते हैं। देन वी हैव डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सो अगर इसके जगह पे एफ ऑफ एक्स होता है, मीन्स डी डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, तो ये होना चाहिए सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन इंटू डेरिविटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड डी डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद और फॉर्मूला है, देन वी हैव डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। सो डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू ए पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। देन इसके अलावा अगर कोई और फॉर्मूला हमारे से अगर मिस हो गया है तो हम क्वेश्चंस के साथ में देख लेंगे। सो आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, यहाँ पे सारे फॉर्मूला आपके लिए नोट डाउन किए हुए हैं। उसके पहले मैं आपको बेसिक रूल बताना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर दो फंक्शन एडिशन में है या सब्स्ट्रैक्शन में है तो डेरिवेटिव हम डायरेक्टली ले सकते हैं, बट मल्टीप्लीकेशन डिविजन रूल कुछ होता है। यहाँ पे यू वी के टर्म में है, मैं आपको 1 2 के फॉर्म में समझा देता हूँ।
सो वाई इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, फंक्शन वन इंटू फंक्शन टू, सो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? हमेशा हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स. डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स. एंड यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है. वॉट इज प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन. एंड देर इज क्वोशेंट रूल, जिसको हम डिविजन रूल भी कह सकते हैं. सो इसमें वाई इज इक्वल्स टू दो फंक्शन डिवाइड में दिए होते हैं. सो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है? अगेन हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो उसमें सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन माइनस साइन एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड डिवाइड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वेयर. सो इतने इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं. ये आपके लिए सारे फॉर्मूले यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप इसे बाद में नोट डाउन कर सकते हो. सो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव. क्या रूट में सिंगल x दिया हुआ है? नहीं. सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? हमने देखा था, हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स इन टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो ये होता है रूट का डेरिवेटिव. सो यहां पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स. डेरिवेटिव ऑफ रूट, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन टू रूट. एंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव. एंड इन टू में क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस फाइव. सो यहां पर वन बाय टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एज इट इज एक्स स्क्वायर. अब यहां पे क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वाई इज इक्वल्स टू एक्स पावर एन का. हमने देखा था इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स पावर एन है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा? इसका डेरिवेटिव मिलता है एन एक्स पावर एन माइनस वन. सो एन की वैल्यू क्या है इन दिस केस? एन की वैल्यू कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में? टू. सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? एन इज टू, देन एक्स एन माइनस वन, टू माइनस वन, देन प्लस फाइव. फाइव कॉन्स्टेंट है एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ सम कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज जीरो. सो फाइव कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो. सो अब हम लिखते हैं इसे टू एक्स पावर टू माइनस वन. टू माइनस वन इज वॉट? वन. सो टू एक्स प्लस जीरो, टू एक्स होगा, टू एक्स इंटू वन, टू एक्स डिवाइड बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव. देन टू टू कैंसिल हो जाता है तो हमारा फाइनल आंसर है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव. सो ये रहेगा डेरिवेटिव. सिंपल है, जस्ट दैट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. देन सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स. अब जैसे कि हमने देखा है वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स. एंड वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स है, सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स. लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज वन अपॉन एक्स. लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? वन अपॉन एक्स. सो लगा देंगे हम ये दोनों फॉर्मूले. उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे पहले डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स. देन डेरिवेटिव ऑफ साइन, आप स्टार्टिंग में ऐसा भी लिख सकते हो कि डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, या आप ये स्टेप भी स्किप भी कर सकते हो. जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन, हमें पता है साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स. लेकिन इंटू में क्या रहता है यहाँ पे? डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? लॉग एक्स. देन कॉस ऑफ लॉग एक्स एज इट इज, एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज वन अपॉन एक्स. सो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स. सो ये रहेगा रिजल्टेंट आंसर. देन थर्ड क्वेश्चन, वी हैव स्टडीड वाई इज इक्वल्स टू ई पावर एफ ऑफ एक्स. अगर ये फंक्शन गिवन है सो डी वाई बाय डी एक्स शुड बी इक्वल टू ई पावर एफ ऑफ एक्स ओनली इन टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स.
सो सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, देन ई पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एफ ऑफ एक्स ही होगा, मतलब ई पावर टेन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वॉट एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, टेन एक्स. देन सो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, ई पावर टेन एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स. सो हम तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक लास्ट में सिंगल एक्स ना बच जाए डिफ्रेंशिएट करने के लिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग. तो हम डायरेक्ट हम इसे सॉल्व करते हैं, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा. डिफ्रेंशिएट, सबसे पहले तो यहाँ पे वाई इक्वल टू लिखा हुआ है क्या, नहीं. जब वाई नहीं लिखा होता तो यहाँ लिखेंगे लेट वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर 5 प्लस 4. अगर वाई मिसिंग है तो हम वाई इक्वल टू क्वेश्चन लिखेंगे, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स इज 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, मतलब 1 अपॉन एक्स पावर 5 प्लस 4, लेकिन साथ में क्या रहेगा, इन टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स पावर 5 प्लस 4. सो दैट एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 एक्स पावर 4. यहाँ पे हमने यूज किया फॉर्मूला एक्स पावर एन, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन. सो एन की वैल्यू थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एन की वैल्यू कितनी थी 5. सो सबसे पहले 5 आ जाएगा, हमने लिख लिया. देन एक्स पावर एन माइनस वन, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, एंड प्लस 4 है, 4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो ये हो गया डिवाइड बाय एक्स पावर 5 प्लस 4. सो ये रहेगा रिजल्टेंट. देन वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है 5 पावर 3 cos x माइनस 2. तो ये किससे सिमिलर है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे अप्लाई होगा डी डी एक्स ऑफ ए पावर एफ ऑफ एक्स. ए पावर एफ, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है. सो ए पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है ए पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिखेंगे लेट वाई इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 3 cos x माइनस 2, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स. 5 पावर f(x) का डेरिवेटिव, पहले 5 पावर f(x) वैसा ही लिखना पड़ेगा, मीन्स 5 पावर 3 cos x माइनस 2, इंटू लॉग ए, मतलब लॉग 5, ए के जगह क्या दिया हुआ है 5, इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब पावर 3 cos x माइनस 2. अब क्या हम ये लॉग 5 वैसे ही रखेंगे, हाँ. तो ये 5 पावर 3 cos x माइनस 2 इंटू लॉग 5 इंटू 3 कॉन्स्टेंट है बट फंक्शन को मल्टीप्लाई में है. अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन को मल्टीप्लाई में है तो उसे एज इट इज रखा जाता है. कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एंड साथ में क्या दिया हुआ है माइनस 2. सो माइनस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. अब इसे थोड़ा बेटर वे में हम लिख लेंगे, हम लिख सकते हैं 3, ये माइनस सामने आ जाएगा, 3 इंटू साइन एक्स पहले लिख लिया, देन इंटू में क्या है 5 पावर 3 cos x माइनस 2 इंटू लॉग 5. स्टूडेंट जनरली क्या गलती करते हैं, 3 को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट नहीं होता है क्योंकि इसके पावर में 1 है और इसके पावर में कुछ एक फंक्शन दिया हुआ है. सो ये 3 अलग ही रहेगा. सो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर. सो हम बढ़ते हैं इसमें एक स्टेप और आगे. सबसे पहले अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. यहाँ पे वाई इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है हमें. सो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स. 3 कॉन्स्टेंट है बट फंक्शन को डिवाइड में है. अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो उसे वैसा ही रखो. बट यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, आपको फंक्शन दिख रहा है 1 अपॉन f(x)n. सो इसका डेरिवेटिव हमने क्या देखा था, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन f(x)n इज माइनस एन अपॉन एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो ये फॉर्मूला में लगाना है. तो सबसे पहले हम 3 को अलग कर देंगे. सो आ गया ये 1 अपॉन 2 पावर 2 x पावर 2 माइनस 7 पावर 5. सो माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी है इसमें, एन की वैल्यू हमें दिख रही है 5, दिस इज एन.
सो माइनस एन की वैल्यू हम लिखेंगे विच इज 5, माइनस 5 डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स मतलब 2x² - 7 पावर एन प्लस 1, एन प्लस 1 इज 6 हो जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x² - 7, देन माइनस 3 5 15 डिवाइड बाय 2x² - 7 6 इंटू 2 कॉन्स्टेंट, x² का डेरिवेटिव 2x होगा, कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, लगता है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन विच इज एन एक्स माइनस पावर माइनस एन माइनस 1, सो एन की वैल्यू थी 2, सो 2 सामने आ गया, देन एक्स, देन पावर एन माइनस 1, 2 - 1 इज 1, देन माइनस 7 का डेरिवेटिव 0, कॉन्स्टेंट अकेला है तो 0 हो जाएगा, देन 2 * 2 4, 4x * 15, सो 15 * 4 = 60, एक्स डिवाइड बाय 2x² - 7 होल पावर 6, सो ये रहेगा फाइनल आंसर। अब यहां पर हम देखते हैं, सी यहां पे क्या दिया हुआ है, पहले रूट दिया हुआ है, फिर साइन दिया हुआ है, और साइन के अंदर में एक्स क्यूब दिया हुआ है, सो इस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डीवाई बाई डी एक्स, एंड रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट इंटू साइन एक्स क्यूब, उसके अंदर में ही दिया हुआ है। फिर आप फंक्शन के अंदर जाएंगे, रूट का डेरिवेटिव हो गया, रूट के अंदर क्या है, साइन एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब साइन का डेरिवेटिव हमें लेना है, तो यहां पे 1/2 रूट साइन एक्स क्यूब एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यूब, हमने साइन का डेरिवेटिव ले लिया, अब उसके अंदर जाएंगे तो सिंगल एक्स है क्या, नहीं एक्स क्यूब है, तो हमें एक और बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x², यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, अगेन डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एक्स पावर एन इज एन एक्स पावर एन माइनस 1, सो 1/2 √ साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², सो इसे हम अच्छे से रीअरेंज करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² पहले लिख लिया, कॉस एक्स क्यूब बाद में, देन डिवाइड बाय 2 √ साइन ऑफ एक्स क्यूब। देन नेक्स्ट है वाई इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वेयर एक्स क्यूब, हमारे पास कॉट का फॉर्मूला है, डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा है, कॉट का डेरिवेटिव विच इज माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहां पे कॉट स्क्वायर दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब कभी भी ऐसे फंक्शन का स्क्वायर दिया हुआ है, इट इज एफ ऑफ एक्स द पावर एन विच इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इन फॉर्मूला का यूज होगा, सो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है इन दिस केस, एन की वैल्यू है 2, दिस इज एन, देन 2 सामने आ जाएगा, देन कॉट, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा एन माइनस 1, 2 - 1 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 कॉट एक्स क्यूब हम इसे लिख सकते हैं, इन टू डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, हमें एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉट एक्स क्यूब, कॉट एक्स क्यूब, अब 2 कॉट एक्स क्यूब एज इट इज, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, दो साइन आमने सामने नहीं रखेंगे हम, जब भी ऐसा साइन चेंज हो रहा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, हमने कॉट का भी डेरिवेटिव ले लिया, अब उसके अंदर क्या है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे इंटू में डी डी एक्स ऑफ आएगा एक्स क्यूब, सो ये माइनस साइन सामने देख सकते हैं, सभी मल्टीप्लाई में है, तो माइनस 2 कॉट ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², सो रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा, 3 * 2 ये -6, x² पहले लिख लिया, देन कॉट ऑफ एक्स क्यूब एंड इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, सो ये रहेगा फाइनल आंसर। देन और आगे क्वेश्चन हमारे पास है,
सो वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स पावर 5। सो यहां पे भी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डीवाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग इज 1 अपॉन एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, जो लॉग के अंदर दिया हुआ है। लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ एक्स पावर 5 इन टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो जो लॉग के अंदर था वो एफ ऑफ एक्स है, सो डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स पावर 5। देन कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस साइन एक्स पावर 5। यहां पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ऑफ एक्स पावर 5, बट हमने कॉस का डेरिवेटिव लिया, कॉस के अंदर क्या है एक्स पावर 5, तो यहां पे आएगा इन टू डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 5। अब यहां पे माइनस साइन और कॉस दोनों के एंगल सेम दिए हुए है ना, तो साइन अपॉन कॉस हम लिख सकते हैं डायरेक्टली टैन, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया, इन टू एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव 5x4। आई होप अभी तक आपको ये फॉर्मूला लर्न हो चुका होगा कि डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज वॉट एन एक्स पावर एन माइनस 1। सो अब इसे थोड़ा बेटर वे में लिख लेते हैं, माइनस एज इट इज 5x4 देन टैन ऑफ एक्स पावर 5। देन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है दो फंक्शन है, आप देख सकते हो उनके कॉम्प्लेक्स पावर है थोड़े बड़े हैं, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो और लेंदी एक्सप्रेशन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, दिस इज आर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड, ये दो फंक्शन है। मैंने आपको प्रोडक्ट रूल बताया था, y इज इक्वल्स टू अगर 1 इंटू 2 है, सो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, देन प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो ये फॉर्मूला हम अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो फर्स्ट एज इट इज उसके सामने डी डी एक्स नहीं लिखना है हमें, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन इन टू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, एक्स प्लस कॉस एक्स ज क्यूब, देन कौन सा साइन आता है प्लस साइन, देन सेकेंड फंक्शन एज इट इज विच इज एक्स प्लस कॉस एक्स ज क्यूब इन टू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 2x+3 ज पावर 4। अब जिसके सामने डी डी एक्स है उसका डेरिवेटिव लेंगे और जिसके सामने डी डी एक्स नहीं लिखा है उसे एज इट इज हम रखेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा कि इसे हमें एज इट इज रखना है, एक्स क्यूब प्लस 2x-3 ज पावर 4, डी डी एक्स इसका है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स पावर एन दिख रहा है हमें, सो एफ ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस 1, एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 इन टू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या आ जाता है अभी एक्स प्लस कॉस एक्स, आई होप आपको ये समझ में आया। देन प्लस सेकेंड इक्वेशन प्लस के बाद हम देखेंगे यहां पे दिया हुआ है एक्स प्लस कॉस एक्स ज क्यूब, अगेन यहां पे क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स पावर एन, सो यहां पे अप्लाई करेंगे 4 सामने आ जाएगा, देन एफ ऑफ एक्स जो है वैसा ही लिखेंगे एंड 4-1 इज 3 इन टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x+3। सो इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, हम उसे लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x-3 जा पावर 4 इन टू 3 इन टू एक्स प्लस कॉस एक्स जा स्क्वायर इन टू, अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ लिखा हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, देन प्लस एक्स प्लस कॉस एक्स ज क्यूब इन टू 4 इन टू 4 एक्स क्यूब प्लस 2x+3 ज क्यूब। अब यहां पे देखते हैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x2, कौन सा फॉर्मूला लगा यहां पे एक्स पावर एन विच इज एन एक्स पावर एन माइनस 1, सो 3x2, देन प्लस 2 कॉन्स्टेंट है x, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 इंटू 2 2 एंड 3 कॉन्स्टेंट है बट इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो अब रिजल्टेंट हम अच्छे से लिख लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म पहले,
सो फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म, हम पहले लिख लेते हैं 3 यहाँ पर, देन ब्रैकेट्स एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 ज़ा पावर 4, देन एक्स प्लस कॉस एक्स ज़ा स्क्वायर, देन 1 माइनस साइन एक्स एंड प्लस यहाँ पे है 4 कॉन्स्टेंट सामने आ जाएगा, एक्स प्लस कॉस एक्स ज़ा क्यूब, देन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 ज़ा क्यूब एंड यहाँ पे ब्रैकेट में बचता है 3x स्क्वायर प्लस 2। सो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। आप चाहो तो दोनों ब्रैकेट में से कुछ अगर टर्म कॉमन निकल रहा है तो उसे कॉमन भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ हमने गड़बड़ की है। कैसी गड़बड़ की है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे माइनस साइन था, हमने लिखा प्लस, यहाँ पे माइनस साइन है, सो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, देन माइनस एंड माइनस, जस्ट हाँ इतना गड़बड़ हो गया था। आप कॉमन टर्म कॉमन जो रिपीटेड ये है, ये दोनों में से कॉमन ले सकते हो, इसमें से कॉमन ले सकते हो, तो ये टर्म्स जो है कॉमन निकलते हैं, हम इसको रिड्यूस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट इतना भी अगर हमने रख दिया तो भी चलेगा। सो आइए आज के लिए हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा डरावना क्वेश्चन दिख रहा है बट कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स अगर लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, दिस इज आर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकेंड फंक्शन। सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ज़ा पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है, रूट में एक्स है प्लस रूट टेन एक्स, देन कौन सा साइन आता है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ज़ा पावर 4। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कलर चेंज करेंगे। सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ज़ा पावर 4, वॉट इज डेरिवेटिव ऑफ, ये बड़ा वाला रूट, रूट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट एंड फंक्शन एज इट इज एक्स प्लस रूट टेन एक्स इंटू, फंक्शन के अंदर जाओ, डी डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा यहां पे, एक्स प्लस रूट टेन एक्स प्लस यहां पे रूट ऑफ एक्स प्लस रूट टेन एक्स एज इट इज, क्योंकि उसके सामने डी डी एक्स नहीं है, जिसके सामने डी डी एक्स है उसे लिखो। अब ये है एफ ऑफ एक्स उसका पावर एन, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ, अब फंक्शन के अंदर जाओ, फंक्शन के अंदर क्या दिख रहा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलो ये हो गया, तो अब अगली स्टेप की ओर। टफ नहीं है, जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, अदरवाइज साइन में गड़बड़ हुआ तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो सॉल्व करते वक्त जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो अदरवाइज ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द पावर 4 इंटू 1, डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे, 2 रूट एक्स प्लस रूट टेन एक्स, देन इंटू यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव इज 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, 1 अपॉन 2 रूट टेन एक्स एंड इसी फंक्शन को इंटू में क्या रहेगा, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसी फंक्शन को इंटू में रहेगा डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस यहाँ पे आ जाता है एक्स प्लस रूट टेन एक्स इंटू 4 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। अब यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो लिखते नहीं है हम, एंड कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एफ ऑफ एक्स पावर एन, एफ ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, एन सामने में, देन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1 रहेगा इंटू इसी फंक्शन को डी डी एक्स में क्या रहेगा डेरिवेटिव, मतलब डी डी एक्स में कॉस एक्स लिखेंगे इंटू में। अब अगेन ब्रैकेट कहीं पे भी अगर आपने बराबर नहीं दिया तो उससे भी प्रेजेंटेशन इसका रॉन्ग हो सकता है, तो अब लास्ट स्टेप है हमारे पास बचा हुआ, तो उसे लिखते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 4, कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स प्लस रूट टेन एक्स।
अब ये ब्रैकेट में ही रखेंगे हम, ब्रैकेट ओपन मत कीजिएगा क्योंकि इससे वन को भी मल्टीप्लाई होगा, आगे वाले को भी होगा और लेंदी हो जाएगा। सो वन प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव इज सिक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय टू रूट टेन एक्स, तो ये कंप्लीट हो गया। प्लस रूट एक्स प्लस रूट टेन एक्स इंटू फोर, यहां भी रख सकते हो या आप सामने भी दे सकते हो, देन इंटू में वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स देन होल क्यूब। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस सामने आ जाएगा, टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। आप इतना भी रख सकते हो आंसर, या मैं आपको रिड्यूस फॉर्म भी बता देता हूं इसका आप चाहो तो, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में यहां पर, एंड टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को साइन टू एक्स भी लिख सकते हो, या इतना रख के भी आप आंसर रख सकते हो। रिमेंबर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये हो जाता है साइन टू एक्स, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये नेक्स्ट स्टेप में और रिड्यूस फॉर्म में हमें मिल जाएगा। सो आपके लिए अभी कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो आप ट्राई कीजिए। आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा आप डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा डेरिवेटिव आपका स्ट्रांग होते जाएगा। विदाउट प्रैक्टिस आप डेरिवेटिव अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, एंड बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे के पूरे चैप्टर पेपर टू के इसी पे डिपेंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देन आप अलायंस एजुकेशन को फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपनी स्टोरी पे शेयर कीजिए एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए विद द हैशटैग डिजिटल अलायंस, हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड अगर आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर आप गिवन मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।